हेलो एवरीवन, आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे पॉसिबल करियर अपॉर्चुनिटीज़ की आफ्टर क्वालिफाइंग नेट JRF एग्जामिनेशन। सो अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, अभी आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। स्टे ट्यून्ड विद अस। आई एम शमा शुक्ला एंड यू आर ऑल वेलकम इन यूट्यूब चैनल ऑफ कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सबसे पहले ये जान लेते हैं कितने टाइप के नेट JRF एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जा रहे हैं इंडिया में। तो मैं आपको बता दूं, ह्यूमैनिटीज़ एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए NTA एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है UGC के बिहाफ पे, और ये एग्जामिनेशन आपका ह्यूमैनिटीज़ और उनसे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स में आपने अगर मास्टर्स कंप्लीट किया तो आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। ये एग्ज़ाम आपका बाई एनुअल है, दो बार होता है साल में, और इसमें आपका UGC JRF का सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है और नेट का सर्टिफिकेट भी मिलता है। एक और नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है आपका CSIR के थ्रू, एंड ये बेसिकली साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने अपना मास्टर्स पोजिशन साइंस से किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट किया, लाइक केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, या फिर आपकी मैथमेटिक्स है ना, फिजिकल साइंस है। अगर इसमें अपने मास्टर्स कंप्लीट किए हैं तो आप CSIR का एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। CSIR UGC नेट JRF के नाम से एग्ज़ाम होता है आपका, और ये भी आपका बाई एनुअल प्रोग्राम है, साल में दो बार ही आपका एग्ज़ाम होता है, वंस इन मंथ ऑफ जून एंड सेकेंड मंथ ऑफ दिसंबर। इसमें भी आपको JRF की फेलोशिप भी मिलती है और नेट का सर्टिफिकेट भी मिलता है CSIR के एग्ज़ाम में। एक और नेट JRF एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराया जाता है, ये आपका DBT के थ्रू होता है, और इसमें आपका है, ये आपका सिंगल साल में एक बार ये होता है। और इस बार से DBT JRF में काफ़ी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि इतने बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स होते थे जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी में या फिर उनसे रिलेटेड एरियाज़ में किया होता था, ओनली दे वर एलिजिबल फॉर दिस DBT JRF एग्जामिनेशन। बट इस बार से उन्होंने क्या किया है कि अगर आपने लाइफ साइंस के किसी भी स्ट्रीम में मास्टर्स अपने कंप्लीट किए तो आप भी DBT JRF एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आपने जियोलॉजी से किया है, फिर बॉटनी से किया है, या फिर आपने माइक्रोबायोलॉजी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो भी आप DBT JRF का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और इसमें भी आपको JRF फेलोशिप मिलती है DBT JRF क्वालिफाई करने के बाद में। एक और JRF एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है ICMR के थ्रू, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एंड ये एग्ज़ाम बेसिकली लाइफ साइंस और सोशल साइंस स्टूडेंट्स के लिए होता है। सो अगर आपने इन दो स्ट्रीम में अपने मास्टर्स कंप्लीट किए तो आप ICMR JRF में भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये एग्ज़ाम आपका साल में एक बार होता है, केवल एनुअल प्रोग्राम है। एक और नेट का एग्ज़ाम होता है ASRB के थ्रू, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट ब्यूरो के थ्रू, और ये आपका ARS नेट कहलाता है। इसमें केवल आपका नेट का सर्टिफिकेट मिलता है, इसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फेलोशिप नहीं मिलती है ARS नेट के एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करने के बाद में। सो इतने टाइप के एग्जामिनेशन आपके इंडिया में होते हैं, आप अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग इन एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR नेट JRF एग्जामिनेशन की। सो जिन भी स्टूडेंट्स से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिफरेंट 5 स्ट्रीम्स की जो मैंने बात की, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंस, अगर इन स्ट्रीम्स में आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप CSIR का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और मैं बता दूं कि CSIR का जो एग्ज़ाम होता है आपका, ये सिंगल MCQ बेस्ड पेपर है आपका, फ्रॉम 2011 आपका MCQ बेस्ड पेपर है। पहले ये रिटर्न होता था, आपका थर्टिकल होता था, बट अभी आपका MCQ पेपर होता है, और एक सिंगल पेपर है आपके नेट के लिए भी, JRF के लिए। बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि नेट का पेपर अलग है, JRF का ऐसा नहीं है, आपका एक ही पेपर है नेट और JRF दोनों का। बट डिफरेंस केवल इतना है कि आपका जो JRF का कट ऑफ है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4-5% हायर देन योर नेट कट ऑफ, और ऑन एन एवरेज आप देखें तो 4-5% का ही डिफरेंस आपको मिलेगा अगर आप पुराने कट ऑफ को देखें नेट और JRF के। तो बस ये डिफरेंस आपका होता है। अगर आप JRF के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आप फेलोशिप अवेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको फेलोशिप प्रोवाइड करती है, अगर आप JRF के थ्रू PhD के लिए खुद को रजिस्टर करते हैं कहीं पे। सो अगर आप CSIR नेट JRF के एग्ज़ाम में JRF के कट ऑफ तक जाते हैं और PhD करना चाह रहे हैं तो आपके लिए फेलोशिप है 31,000 प्लस HRA पर मंथ। पहले 2 साल आप जूनियर रिसर्च फेलो के तरीके से काम करते हैं, उसके बाद आप SRF के लिए प्रमोट कर दिए जाते हैं सीनियर रिसर्च फेलो, और यहाँ पे आपकी जो स्टाइपेंड है वो 35,000 प्लस HRA मिलती है आपको तीसरे, चौथे और पाँचवें साल। सो अगर आपने JRF क्वालिफाई किया है तो आप PhD के लिए भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन आपके सामने ओपन होता है आफ्टर क्वालिफाइंग JRF, वो आपकी डायरेक्टली आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी जो है कॉलेज में। तो ये दो ऑप्शन आपके सामने ओपन होते हैं। अगर आपने PhD कर ली, आपने JRF के बाद SRF की आपने PhD अपनी कंप्लीट कर ली, उसके बाद भी अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, आप नेशंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप फर्दर रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो आप PDF के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में भी ऑप्शंस हैं, अब्रॉड में भी ऑप्शंस हैं, एज यू लाइक, आप जहाँ पर आप जाना चाहें वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप डायरेक्ट साइंटिस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट के एडवर्टीजमेंट में निकलते रहते हैं, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग JRF एग्जामिनेशन। सो दीज आर टू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू इफ़ यू हैव क्वालिफाइड योर JRF एग्जामिनेशन।
अब बात करते हैं सेकंड करियर अपॉर्चुनिटी की, अगर आपने केवल नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी, बट आप किसी प्रोजेक्ट के थ्रू फेलोशिप पा सकते हैं और इसके थ्रू आप डायरेक्ट किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक डिफरेंस है आपके जो अगर आप JRF क्वालिफाई किया है आपने और आप PhD के लिए एनरोल करना चाह रहे हैं, तो आपको विद इन द पीरियड ऑफ 2 ईयर अपने आप को PhD में रजिस्टर करना होता है। बट इन दोनों में चाहे आपने नेट क्वालिफाई किया या फिर JRF, आपका जो नेट का सर्टिफिकेट होता है ये थ्रू आउट लाइफ वैलिड होता है। सो इन फ्यूचर अब कभी भी आपको इंटरेस्ट आया टीचिंग में तो आप इस नेट सर्टिफिकेट को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि JRF का जो सर्टिफिकेट है ये ऑलरेडी इंक्लूड करता है नेट के सर्टिफिकेट को। ठीक है, तो अगर आपने JRF किया है तो आप रिसर्च में भी जा सकते हैं और अपना टीचिंग में भी करियर बना सकते हैं, और अगर आपने नेट केवल क्वालिफाई किया है तो आप टीचिंग के लिए ये एम रखिए, आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, जैसे बहुत सारे बच्चों में आजकल कन्फ्यूज़न है इस बात को लेकर कि क्या नेट का एग्ज़ाम, नेट के एग्ज़ाम की यूटिलिटी अब भी उतनी है इस असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट के लिए, या फिर नेट की एग्ज़ाम अगर आप नहीं क्वालिफाई करते तो भी आप एलिजिबल हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि एज़ पर न्यू गाइडलाइन ऑफ UGC विच इज़ इशूड इन जुलाई 2018, जो चेंजेस हुए हैं एक्चुअली वो आपके इस तरीके से हैं कि आपकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है यूनिवर्सिटीज़ में उनके लिए आपकी PhD डिग्री को मैंडेटरी क्वालिफिकेशन बना दिया गया है, बट जो नेट है ये स्टिल मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट। सो नेट इज़ स्टिल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन फॉर यू इफ़ यू आर एमिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने जो गाइडलाइन है उसका PDF मैंने नीचे लिंक में आपको दिया है, प्लीज़ इसको थॉरोली पढ़िए, जो थोड़े बहुत और चेंजेस किए गए हैं इसमें वो उसमें आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर आपने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आपने रिसर्च कंप्लीट किया तो वहाँ पे समटाइम्स आपको नेट से छूट मिलती है, आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, बट नॉर्मली आपका नेट और PhD आपके लिए रिक्वायर्ड है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एम कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे आपने देख लिया कि नेट का सर्टिफिकेट आपको मिल गया, आपने PhD कर ली और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको पता है कि नेट इज़ द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट अगर आप PhD भी कर लेते हैं, सपोज़ एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आपको पता है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती है उसमें जो आपका रिक्रूटमेंट होता है ये तो आपका रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे होता है प्लस इंटरव्यू, या समटाइम्स आपका केवल इंटरव्यू होता है। तो इस इंटरव्यू के टाइम पे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, सपोज़ आप एक इंटरव्यूअर हैं और आपके सामने 2 कैंडिडेट हैं, एक जिसने केवल नेट का सर्टिफिकेट जिसके पास है, दूसरा जिसके पास नेट का सर्टिफिकेट है और प्लस PhD डिग्री भी है और उसके अच्छे पब्लिकेशंस भी हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी उसने अटेंड की हुई है, कुछ और एडिशनल क्वालिटीज़ भी हैं उसमें जो कि एक टीचर में होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है आप सेकेंड कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो मेरे ख्याल से आप नेट कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद PhD भी कंप्लीट कर लीजिए, तो आप सूटेबल कैंडिडेट होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और जैसे मैंने आपसे बात की कि कुछ एडिशनल क्वालिटीज़ की अगर आप में हैं, क्योंकि आपको पता है जब इंटरव्यू के दिन बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपने उस दिन किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस, किस तरीके से आपने आपको एक्सप्लेन किया, कैसे एक्सप्रेस किया, वो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आप में ज़रूर होनी चाहिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशन स्किल की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो एक टीचर में होना चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप स्टूडेंट्स को बांध के रखते हैं, उनका जो है उनसे अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, है ना। और आपकी एनालिटिकल स्किल भी अच्छी होनी चाहिए अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं। जो एक और बहुत खास पॉइंट है किसी भी टीचर के लिए वो ये है कि आपको मोटिवेटेड होना चाहिए, आपको मोटिवेशन होगा टीचिंग के लिए तभी आप अपना 100% दे पाएंगे। एक और भी पॉइंट है जो टीचर को बेस्ट टीचर बनाता है आई थिंक, वो ये है कि आपको अपने सब्जेक्ट की इनडेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अगर जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ाने जा रहे हैं, आप टीच करने जा रहे हैं, उसमें आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आपकी बहुत अच्छे से आपको उन सारी चीज़ों को जानना होगा जिन भी चीज़ों के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको इनडेप्थ नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की, तभी आप बेस्ट तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके में होनी चाहिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो आई थिंक आज का वीडियो से आपको बहुत सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व हुई होंगी, बहुत सारे डाउट्स जो UGC गाइडलाइन को रिलेटेड है। और मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जो मैंने PDF लिंक नीचे आपको दिया है उसको थोरोली पढ़िए और अपने डाउट्स और भी क्लियर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके से कन्फ्यूजन फैला रहे हैं, तो उसको अच्छे से आप करिए। और अगर आप टीचिंग के लिए एम करना चाह रहे हैं, अगर आप टीचिंग लव, अगर आपको है इंटरेस्ट टीचिंग में या फिर रिसर्च में इंटरेस्ट है, देन यू हैव टू गो फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन CSIR NET JRF एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अगर ऐसे और वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।